ये आज हम सीखते हैं फिर तत्सम और तद्भव शब्दों में पहचान करने का तीसरा नियम। तो आज हम इस वीडियो में जो है तीसरा नियम लेकर आए हैं। तो आज हम तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। और तीसरा नियम है क्या देखिए, लेकिन उससे पहले जीके देखो बाय डीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और लगातार इस चैनल को देखते रहिए। और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं किसी भी शब्द के बारे में, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर लाल लाल नीचे लिखा मिलेगा आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर घंटी को दबा दीजिए और फिर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए सीखते हैं तीसरा नियम। और तीसरा नियम हमारा क्या होगा आज, सामान्यता प्राय साधारणता तत्सम शब्दों में, स तथा तद्भव शब्दों में सौ का प्रयोग मिलता है। हम परिवर्तन देखेंगे आज, या पहचान करेंगे आज हम कि तत्सम शब्दों में हमें तालु वाला स मिलेगा और तद्भव शब्दों में हमें दंत स यानी दंत वाला स मिलेगा। जिसको हम तालु से बोलते हैं उसकी पहचान कर लीजिए आप संस्कृत शब्दों से यानी तत्सम शब्दों से, और दंत से आगे हम पहचान करेंगे तद्भव शब्दों से, ठीक है। जो शब्द हमें अपभ्रंश होकर बोल चाल की भाषा में अपभ्रंश होते चले गए और उनका रूप जो है वो बदल गया, देखिए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सैया। आप देख रहे हैं कि यहाँ सैया में जो है वो तालो वाला स है और इसको हम सेज कहते हैं, ठीक है। तो सैया का हो गया हमारा सेज। शुष्क, यहाँ तालो वाला स, यहाँ गया दंत स, ठीक है। सत, सत कहते हैं सो को। सत का प्रयोग कौन ही करता, सो का प्रयोग करते हैं आमतौर पर। क्रिकेटर जो हैं वो शतक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां शतक का प्रयोग करते हैं, शतक पदक बना दिया, ठीक है। तो यहाँ सो हो गया, दंत वाला स हो गया। श्यामल, श्यामला, ठीक है। यहाँ बड़ा यानी छोटा मतलब कहते हैं, तल वाला स था तो यहाँ हो गया हमारा दंत वाला स। तो परिवर्तन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स था वो तालु वाला स था, यहाँ दंते वाला स, यहाँ तालु वाला स, यहाँ दंते वाला स, तालु वाला स, दंते वाला स। परिवर्तन आप आराम से देख रहे हैं कि पहचान हम कैसे करेंगे कि अमुक शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और अमुक शब्द जो है हमारा वो तद्भव शब्द है। पहचान करने का आसान सा नियम है कि तत्सम शब्दों में हमें तालु वाला स मिलेगा आमतौर पर, और तद्भव शब्दों में हमें दंत स मिलेगा सामान्यतः, ठीक है। फिर देखिए दस, दस को हम ऐसे भी लिखते हैं और दस का हम प्रयोग ऐसे कर रहे हैं। श्यालक, श्यालक यानी कि साला, पत्नी का जो भाई होता है इसको हम साला बोलते हैं, तो वो श्यालक शब्द है संस्कृत में शुद्ध। फिर आ गया श्वास यानी सांस। आप देख रहे हैं कि यहाँ तालु वाला स दंत वाला स में, तालु वाला स दंत वाला स में। फिर आप देखिए शीर्ष, और हो गया हमारा शीश। यहाँ परिवर्तन देखिए आप, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये शब्द जो है हमारे संस्कृत के हैं और ये दंत से वाले हमारे जो हैं वो हमारे तत्भव शब्द हैं। सुकर, सुवर, शून्य, सुना, शीतल, शीतल, शिला, शिल। आप देख रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन जो हो रहा है वो तालु वाला स का दंते वाले स में, तालु वाला स दंते वाला स, तालु वाला स दंते वाला स, तालु वाला स दंते वाला स। तो आसानी से आप पहचान कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में, अगर छांटने के लिए आ जाए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव और तत्सम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। साख, साग, सुख, सुआ। आप देख रहे हैं ना परिवर्तन कैसे हो रहा है, पहचान करने के लिए कि अमुक शब्द दंत वाला स जो है वो हमारा तद्भव शब्द होगा। सुंड, सुंड, ससुर, ससुर, विशेष, विशेष, दर्शन, दर्शन, आशीष, आशीष, सिर और सिर, ठीक है। इस नियम को आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी कहीं दिक्कत आपको आती हो, आप उससे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स करके बताएं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को भी आराम से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। लगातार अगर आप जो हैं सभी वीडियोस को धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपका ज्ञान में जो है वृद्धि होती चली जाएगी। जहाँ वीडियो मतलब फोन मोबाइल फोन को लेकर आप अन्य बातों में अपना समय गुजारते हैं उससे अच्छा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा कि आप जो हैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे अच्छा हिंदी पढ़ाने वाला यूट्यूब पर नहीं है, नहीं है, बहुत हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, आप देखिए। लेकिन आपको जिसकी वीडियो से ज्ञान मिलता हो आप उसकी वीडियो को देखिए, जिसकी भाषा आपको आसानी समझ में आती हो आप उसकी वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कत ना हो, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।